जो बीत गई सो बीत गई, उस बात को लेकर रोना क्या, जब मानुष जीवन पाया है फिर पाना क्या और खोना क्या। क्या बोला मैंने, जो बीत गई सो बीत गई, उस बात को लेकर रोना क्या, जब मानुष जीवन पाया है फिर पाना क्या और खोना क्या। यानी अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया जो आपने अभी दिया है, तो उस बात को भूल के आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जो है लर्निंग होती है, उससे सीखो। हताश होकर कुछ बदलने वाला नहीं है, डिमोरलाइज होकर कुछ बदलने वाला नहीं है, और फेलियर के प्रेशर में दब के कुछ बदलने वाला नहीं है। याद रहे कि सक्सेसफुल या जीतता वही है जो गिरता नहीं है। कहते लोग कि जो गिरा वो हार जाता है, हारने वाला वो इंसान है जो गिर के उठना नहीं जानता। अगर आप गिर के उठना जानते हैं, 1000 बार गिरिए, लेकिन अगर आपने उठना सीख लिया है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप गिरे हैं तो हताश मत होइए, उसको उन चीजों से, उन गलतियों से, कि आखिर गलती क्या थी, उन गलतियों से सीखिए। लिस्ट आउट करिए कि मुझे मेरे इस एग्जाम में क्या कमी रह गई, मुझे क्या नहीं आ रहा था, क्या इंफॉर्मेशन की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कमी थी, रीडिंग मिस्टेक्स था, मैंने नेगेटिव ज्यादा किया, या मैंने कौन से ऐसे मिस्टेक्स किए इस एग्जामिनेशन में जिसकी वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अगर आप ये चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने इस चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगा लाइव टेलीग्राम ग्रुप पे। याद रहे, लाइव टेलीग्राम ग्रुप पे, वेदमी के टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वेदमी सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा, मैं लिंक पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। इसके अलावा जो है, आप अगर असेसमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप कर पाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मेरी हेल्प या मेरे टीम की हेल्प जो है वो ले सकते हैं, और वहां से असेस करके कि क्या गलती हुई है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक गलती पता नहीं होगी तब तक दवाइयां करोगे कैसे। सिंपल सी बात करें कि आप बोल रहे हैं शरीर में दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर दवाई दे दिया, आपने बताया नहीं कि सर का दर्द है कि पेट का, पता लगा आपके सर में दर्द हो रहा है और पेट के दर्द की दवाई लेके आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि दर्द हो कहां रहा है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो कहां रही है। सर की दर्द की दवा अलग, पेट के दर्द की दवा अलग, घुटने की दर्द की दवा अलग। तो एग्जैक्टली वैसे ही कि कई जगहों पे जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें कहां प्रॉब्लम है, रीडिंग में, कॉन्सेप्ट में, चीजों में, तो उन चीजों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन चीजों के साथ आपको बूस्ट करवाएंगे आपके प्रिपरेशन को अपकमिंग एग्जामिनेशन में, अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो। मर्जी आपकी, लेकिन याद रहे आप हमारे साथ जुड़ के करें या सेल्फ स्टडी करें या कहीं से भी करें, लेकिन याद रहे अगर अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहला जरूरी है अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक वो नहीं पता रहेगा तब तक इंप्रूवमेंट करोगे क्या दोस्त। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, दिस इज द फर्स्ट थिंग, अगर आपका एग्जाम बेहतर नहीं हुआ है तो। और अगर आपने ये कर लिया तो जुड़िए हमारे साथ और बताइए कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।